तो कॉन्फ़िगर आउटलुक 2013 या 2007 जो भी वर्जन हो उसको कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग है। सिंपल है, कोई आपको आउटलुक ओपन करना है। आउटलुक ओपन करने के बाद अगर आपके पास पहले से ओपन है तो उसका तरीका अलग है, और जो बात स्टार्टिंग है फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाओगे, उसके बाद आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद नीचे आएगा मैनुअल सेटअप। मैनुअल सेटअप में जाना है आपको। मैनुअल सेटअप में जाने के बाद POP.IMPS पे जाना है। उसमें यूजर नेम डालना है ऊपर, जो भी आपका यूजर नेम है कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो ईमेल आईडी है वही डालना है। ईमेल आईडी, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है .gmail.com। उसके बाद आपको इनकमिंग मेल में आपको डालना है POP.gmail.com, और आउटगोइंग में आपको डालना है SMTP.gmail.com। और उसके बाद यूजर नेम में आपको पूरी ईमेल आईडी डालनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है। और पासवर्ड, जो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है वही डालना है, इसमें कोई नया पासवर्ड नहीं डालना है। इसके बाद मोर सेटिंग में जाना है। आउटगोइंग सर्वर पर जो सबसे पहले आएगा उसको टिक करना है। एडवांस पे जाना है, दिस सर्वर पे रिक्वेस्ट पे टिक लगाना है, और नीचे पे ऑटो कर देना है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एरर भी आ सकता है, पासवर्ड एरर। अगर पासवर्ड एरर आता है तो मैं उसके लिए एक लिंक डाल दूंगा, उसको आप क्लिक करके आप ओपन करोगे तो आपका जीमेल ओपन होगा। जीमेल में आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है जो इसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हो। उसके बाद आपको एक अलाउ करने के लिए एक पॉपअप आएगा, उसको अलाउ भी करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से करना है। ये ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड डाला, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये आपको अलाउ करने के लिए कहेगा। अलाउ, इसको आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ओके करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता दो तीन बार ओके करोगे तो हो जाएगा, 100% ओके वर्किंग है ये। इसके आप बाद आप फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद जो भी आप की मेल होगी वो सारी डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।